हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे एंड हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल देखो आप रुको अभी कहाँ पढ़े और सुनो कि आप हम लोग कहाँ पढ़े, तो काफ़ी एक्साइटमेंट आपके अंदर भी आएगी और हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। फिलहाल हम धीरे धीरे आपको सब कुछ बता देंगे कि हम लोग कहाँ पढ़े और क्या पर्पज़ है हमारा। बाकी देखो दुकू यहाँ पर खूब इंजॉय कर रही है। क्या कर रही हो दुकू? क्या खा रही हो अभी तुम? हाथ में कुछ पकड़ी हुई है, पता नहीं क्या खा रही है। देखिए देखो यहाँ पर डांस की प्रैक्टिस कर रही है और कितना सारा एंजॉय कर रही है यहाँ पर। इनको देखिए, ये इनको इनकी डांस की टीचर है। देखो डांस सीख ली, सिखा दिए कंप्लीट डांस। शर्मा रही है देखो। फिलहाल देखिए खुशी यहाँ पर है और धीरे धीरे आपकी समझ आ रही है कि हम लोग कहाँ पर हैं। ये देखिए हमारी छोटी वाली साली है स्विता और इनका बाबू का डांस टीचर भी है क्योंकि इनको डांस सिखाती है अभी। और हमारे लिए को अभी नाश्ता लगा दिया खुशी यहाँ पर। ये देखो बैगन की भरता है और क्या कहते हैं इसको, बैगन के हम लोग तरवा बोलते हैं। इसके बाद आलू गोभी की भुजिया और रोटी इधर है। हम नॉर्मली खाना पसंद करते हैं ना। चलिए खाते हैं पहले। अभी जो हम बाहर निकल गए क्योंकि डुगू ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आप तो जानते हैं कि नहीं मतलब खाती है। आज मैं आपको एक स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहती हूँ। मेरी दादी जी है जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, तो मैं उनको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से क्या करती है। और देखिए डुगू सिर्फ उसी को देखती है क्योंकि कभी इतनी ज़्यादा बूढ़ी किसी को नहीं देखी है, तो इनको देखती है तो उनको लगता है कि कौन है नहीं है। देखिए क्या बेटा, बाकी ये देखिए नर्सरी है और खुशी गई थी अभी पापा को खाना देख लिए। इधर देखिए आग कैसे रही है, ये देखिए गई थी खाना देने पापा को। और इधर पूरी नर्सरी है, मतलब कि छोटे छोटे पौधे आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के लगभग आधे किलोमीटर के अंदर टोटल। हाँ भाई, हम छत पर हैं और गाइस यहाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा है यार। पहली बार इस तरह के रिलेशनशिप में हम पहली बार आए हैं। मौसी वगैरह के यहाँ तो बहुत बढ़ गए हैं, नानी को भी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन ससुराल पहली बार आए हैं तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं यहाँ। एक अजीब टाइप की, मतलब कि क्या क्या ही कहें, लव मैरिज है और आप समझ सकते हो कि इस तरह की, मतलब कि मेरे मन में आता होगा हर बात। बहुत ज़्यादा मतलब कि नर्वस के, अब बताऊं क्या, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा नर्वस हमारे अंदर है। तो फिलहाल हम अभी आप लोगों से बात करने के लिए छत पर आ गए थे और ये देख सकते हो पीछे छत है। आज मुझे ड्यूटी भी जाना, मतलब मुजफ्फरपुर भी जाना है क्योंकि लगभग 5-6 दिन हो गए ड्यूटी को। इतने दिन तक छुट्टी रहेंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। खुशी और बाबू लोग नीचे में है अभी और मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म लग रहा है क्योंकि खुले मुंह लोग से, लोग मेरे से बात भी नहीं करते। होता है ना कि यार, एक अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है उसके बाद जो आपकी केयरिंग तो अभी भी है, लेकिन एक जो लोगों से लगाव आपका रहता है उस तरह की लगाव नहीं मिल पाती, मतलब एक बिल्कुल अकेलापन सा फील करते हैं यहाँ। बाकी अगर आपको बताऊं कि हम लोग कब आए थे यहाँ पर, तो हम लोग कल नाइट में आए थे यहाँ पर और मतलब 5 फरवरी को हम लोग आए थे। बहुत ज़्यादा ये एजिटेशन आ रहा है मुझे यार, मतलब कैसे शूट करूँ अभी। देखो गेट को हम थोड़ा सा लगा दिए हैं ताकि आवाज़ बाहर नहीं जा सके। और मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब फर्स्ट बार यार इतने सारे लोगों के साथ भी बैठा उठा हूँ, लेकिन ससुराल आ करके फर्स्ट बार इतनी ज़्यादा मतलब कि हेजिटेशंस और इतनी ज़्यादा नर्वस मैं पहली बार फील कर रहा हूँ। पता नहीं ये चीज़ कैसे ठीक होगा, मतलब होता है ना कि कोई आपसे बात भी करे आ करके अच्छे से ट्रीट करे, लेकिन उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। हमारी छोटी छोटी, एक छोटे से साले हैं, एक छोटी सी साली है, तो वो लोग कभी कभी आती है तो बात करती है, लेकिन फिर भी चलो यार बहुत खुश हैं। कम से कम इस तरह की सिचुएशन हमारे बीच थी फिर भी हमें एक्सेप्ट किए, ये सबसे बड़ी बात है। और बहुत बगल अगल के लोग जो भाभी वगैरह हैं वो बहुत प्यार दे रही है। नेट वे भी बुलाई थी खाने पर, तो खाने पर गए थे और अभी भी वो इनविटेशन दी है कि खाने पर आज हमारी तरफ से ही। हम बोले चलो ठीक है, लाइट भी कट गई देखो। बाकी अभी नीचे का लाइट कट गया था तो अभी हम लोग छत पर जा रहे हैं। देखो पीछे खुशी खुशी और बाबू भी है। सच में यार बहुत ज़्यादा हेजिटेशन मुझे यहाँ हो रहा है, पता नहीं क्यों अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। देखो वर्ड भी हमारा अटक रहा है धीरे धीरे। और खुशी को देखो और बाबू को, मेरा मुंह देखिए कैसे हो गया है। बहुत एंजॉय कर रही है यहाँ पर, अभी अभी आपको भगा देंगे मौसी के साथ। और हम यहाँ से अभी आधा एक घंटे बाद चले जाएंगे क्योंकि मुझे मुजफ्फरपुर जाना है। और खुशी एक दो दिन, तुम रहोगी क्या? हाँ एक दो दिन रहेंगे, एक दो दिन के लिए यहाँ ये रह जाएगी।
क्योंकि इतने दिन बाद आती है तो सबसे मिल करके जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये यहाँ रहे, बाकी मैं भी अकेला फील करता हूँ वहाँ जा करके। बाकी यार बहुत नर्वस है, पहली बार मतलब क्यों यार नर्वस है हमको ये समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस हम लग रहे हैं ना तुमको। हाँ हाँ। मेरा एक एक वर्ड अटक रहा है यार, क्या ही कहें हम आपको। बाकी हम तो चले जाएंगे, बाकी बाबू और खुशी यहीं पर रहेगी। बाबू टाटा टाटा कर दो। यहाँ पे पता नहीं बहुत ज़्यादा मस्ती करती है क्योंकि मौसी इनसे थोड़ी सी बड़ी है ना इनकी, तो उनके साथ ये काफ़ी खेलती है, वो डांस वगैरह करती है तो ये भी डांस करती है। और देखो इनका ध्यान पता नहीं किस चीज़ पर है। और इधर देखिए पूरी हरियाली, लगभग मुझे लगता है 4-5 वो आगे वहाँ जो दिख रहा है आपको वो पावर हाउस है, मतलब पावर ग्रिड, वहाँ से इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है और उसके बाद टोटल यहाँ तक नर्सरी ही है। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ आकर के? और हम आए तो हमारे साथ पहली बार आई हो ना? हाँ। कैसा लग रहा है हमारे साथ? अच्छा लग रहा है तो। लेकिन सर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है ना, उतार रही है। मैंने आपको जैसे बताया था कि यार बगल के लोग भी भाभी वगैरह बहुत प्यार देते, तो देखिए भाभी अभी फ़ोन किए खाना पर लेते आइए। ये है देखिए, ये श्वेता है, ये हमारी छोटी सी साली। देखो देखिए नीचे में क्या हुआ खाने के लिए, हम बोले ना कि तुम खाने के लिए, लेकिन यार पता है यार अभी जस्ट तो खाए ही है, पेट में जगह भी नहीं है इतनी। बाकी आपने खुशी की दादी को देखा होगा, उनके लिए अभी हमने एक साड़ी परचेज़ किया है, ये वाली देखो, क्योंकि यार पहली बार हम लोग गए थे तो साड़ी के बगैर जा नहीं सकते। और मेरे हिसाब से ये भैया बोल रहे थे कि क्वालिटी बेटर है इनकी, तो इसलिए हमने इनको परचेज़ किया है। अब कितने की आई है ये डिसाइड मैटर नहीं करता, बस अच्छी है मेरे हिसाब से इनकी क्वालिटी, काफ़ी सॉफ्ट भी है इनकी, इसकी ये देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है, आई थिंक मुझे पसंद आ जाएगा उनको। देखो मार्केट से हम आ गए हैं और देखो बाबू अभी पूरे बॉडी को गंदा कर लेती मिट्टी में, तो अभी देखो खुशी इसका कपड़ा चेंज कर रही है, कपड़ा भी पहनना नहीं चाहती है ना ये, कपड़ा पहन क्यों नहीं पहनती हो कपड़ा? और ये देखो ये वाला लिए दादी के लिए, ये देखो ये देखिए साड़ी हमारी ये दादी है उनके लिए ये साड़ी लिए हैं। बाकी देखो बाबू क्या कर रही है, देखो बाबू देखो क्या कर रही है, पॉलीथीन में पैम्पर से बेटा फट जाएगा। गाइस कैसे हो? अभी देखो समय हो रहा है रात के 9 और अभी जस्ट हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर। आप सीधा ब्लॉग में देख रहे होंगे कि ससुराल से सीधा मुजफ्फरपुर। इस बीच में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ हुई थी हमारे साथ, लेकिन वो हमारा फ़ोन चार्ज नहीं था जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए थे, क्योंकि लगभग 1 बजे हम निकले थे अपने ससुराल से और उसके बाद हम फिर घर गए थे 3 बजे, घर गए थे 2 बजे, 2:00 कुछ पे हम निकले थे घर से, तो फ़ोन मेरा चार्ज नहीं था, चार्ज करने का समय नहीं मिला था, यहाँ पर आया हूँ तो चार्ज कर अभी जस्ट फ़ोन को चार्ज किए हैं, इसके बाद सोचे चलो बना लेते हैं वीडियोज़। और देख सकते हो अभी इधर हमारे रूम की सिचुएशन, बैग और जैकेट वगैरह यहाँ रखे हैं, खुशी उस दिन गई है तो टोटल कपड़े वगैरह को इस तरह से ही करके गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था उस दिन भी जाने में, तो अभी कपड़े वगैरह हमारे ऐसे ही पड़े हैं। बाकी इधर की भी सिचुएशन देख सकते हो, पूरी रूम गंदी है, तो इनको पहले सफाई कर लेते हैं और बाकी ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे आपसे, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड खुशी की भी वीडियोज़ को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।